बरेठ परीक्षा केंद्र बना व्यापम अड्डा, विदिशा जिले के गंज बसौदी की ही घटना। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। प्रदेश में व्यापम जैसा बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी यह उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि छोटे परीक्षा केंद्रों में भी व्यापम जैसा घोटाला हो सकता है। जी हाँ, नगर के समीप बरेठ के शासकीय कन्या विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र में इसी प्रकार का मामला सामने आया। यहाँ रोल नंबर के अनुसार परीक्षा देने वाले छात्र के स्थान पर दूसरा लड़का परीक्षा देता मिला। जब मीडिया की टीम पहुंची तो परीक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा बच्चों को मास्क लगाकर गेट के बाहर निकाल भगाया गया, जो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। वहीं केंद्र प्रभारी द्वारा मीडिया को भी परिसर से बाहर भगाने की कोशिश की गई। हम जानते ही हो, घर में तुम गलत है ना यार सर, नहीं तो नकल करा ऊपर से तुम सर सब क्या हम रोक भी रहे लेकिन आप रोके नहीं हो, किसी की बात मानने चाहिए आपको। अगर हम आप ही गए तो आप नहीं कहने चाहिए ना दूसरे से, अपन तो आप जब नकल अंदर करा ही रहे थे, हम तो बहुत देर से आए मालूम है, आप जब आए थे ना गाड़ी से हम पहले आ चुके थे और जैसे 9:05 इतने में नकल चालू हो गई। हमारे पास वीडियो है भाई नकल करवाते हुए, ऐसा थोड़ी है, लेकिन गलत है ना। कौन है प्रभारी, कौन है यहाँ के? चलो चल 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 क्यों इतना ही नहीं, अपने कृत्य को छुपाने के लिए हमारे एक मीडिया के साथी पर पैसे के लेन देन का आरोप लगा दिया गया ताकि मामले को दबाया जा सके। अब समझा जा सकता है कि मामला कितना बढ़ चुका है। यह जांच का विषय है कि व्यापम जैसे छोटे केंद्रों पर भी घोटाला चल रहा है। इस संबंध में जब मीडिया कर्मी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो ऑफिस में वो नजर नहीं आए और कैमरे पर बोलने से अधिकारी बचते नजर आए। इस संबंध में कांग्रेस का कहना है कि वह इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और जांच की मांग करेगी। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। परसों के दिन ग्राम में मैं पहुंचा, वहां पर देखा कि कुछ बच्चे मास्क से पहने हुए निकल रहे थे। अचानक मेरी नजर पड़ी, 8वीं की परीक्षाएं चल रही थी। जैसे मैं अंदर गया मैंने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे बाहर के स्कूल के बच्चे थे वो वहाँ परीक्षा दे रहे थे और जो वहाँ परीक्षा जिनको देना थी वो उपस्थित नहीं थे। मुझे जानकारी लगी थी तब उनके वहाँ के प्रति उनसे पूछा मैंने मैडम से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात में जानकारी नहीं है। तो आप वहाँ से जब लौटे जी, उसके बाद इस प्रकार बाजार में चर्चा चली, उसको क्या मानते हैं आप? ये सब फर्जी बात है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, इसकी जाँच होना चाहिए। मैं सच हूँ या गलत ये तो जाँच का विषय है। वहाँ पर जो रोल नंबर अनुसार बच्चे बैठना चाहिए लेकिन जगह दूसरे बच्चे परीक्षा दे रहे थे, वहाँ पर हमने ये वीडियो बनाए, हमारे पास साथ में। आप मानते हैं व्यापम जैसा घोटाला प्रदेश में हुआ तो छोटी जगह भी ऐसे घोटाले होते हैं? मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार जो जिस तरह से व्यापम मामला उठा था वो चूंकि शहरों में जो प्रक्रिया चल रही थी वो शहरों में हो रही थी और शहरों में ही वो उन पर सारा दबाव था, तो उससे हटने के लिए उन्होंने अचानक ऐसी छोटी छोटी जगहों पर व्यापम को ले गए वो घोटाले को करने के लिए। उसमें ये बरेठ का केंद्र आया होगा, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आता, आपके माध्यम से संज्ञान में आया तो हम जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी वो हम कांग्रेस जन सभी मिलकर उसको। परीक्षा चलते हुए बच्चों का बाहर जाना बार बार, वहाँ के टीचरों की जो ड्यूटी लगी थी उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, और तमाम जब मीडिया के लोग वहाँ पहुँचते हैं जब बात अपनी करते हैं तो मीडिया को भी बाहर कर दिया जाता है। मैं सर्वप्रथम तो जिन भी मीडिया के लोगों ने ये खोज निकाला है बरेठ का छोटा सा केंद्र जिसमें एक अवैध व्यापम घोटाला हो रहा था, मैं उस सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चूंकि उनकी तो मनसा ही यही है कि कहीं ना कहीं ये जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं वैसे ही वो भी अपराध करने की प्रवृत्ति उनकी संयमित हो चुकी है। वो बड़े शहरों से हटकर अब छोटे शहरों में आ गए, छोटे शहरों से हटकर गांव में आ गए, तो उन्हें तो वो निरंतर करना ही है। आपने हमें हमारे संज्ञान में लाया, हम उसको धन्यवाद देते हैं और जो भी कार्रवाई होगी हम सभी कांग्रेस जन मिलकर उसका विरोध दर्ज कराएंगे।